presenting the fourth lesson of poetry Lament, composed by P.V. Shelley. Lament means bilap karna ya dukh vyakt karna ya dukhant kavita. Lament jo hai ye P.V. Shelley ki wo rachna hai jo unhone apne mrityu se एक साल पहले लिखा था. P.V. Shelley रोमांटिक पोएट्स के रूप में जाने जाते हैं. उनका पूरा नाम था पारसी वायसी शैली. क्या नाम था? पारसी वायसी शैली. अबाउट द पोएट के बारे में देखते हैं. पारसी वायसी शैली वॉज ए ग्रेट इंग्लिश रोमांटिक पोएट इज नोटेड फॉर हिज स्पिरिट ऑफ रिवॉल्ट्स. का पारसी वायसी शैली जो है एक महान इंग्लिश रोमांटिक कवि के रूप में प्रसिद्ध थे. इज नोटेड फॉर हिज स्पिरिट ऑफ रिवोल्ट. जो आत्मिक रिवोल्ट मतलब होता है विरोध, मतलब आत्मिक मतलब विचारों के लिए प्रसिद्ध थे. हिज लिरिकल जीनियस This is a lyrical genius and his powerful imagination. अपने lyrical विद्वता और अपने powerful जो है शक्तिशाली imagination यानी भावनाओं के लिए जाने जाते थे. Inspired by the French Revolution, जो फ्रांस की क्रांति से प्रेरित हुए थे, फ्रांस में क्रांति हुई थी उससे प्रेरणा मिली थी इनको. He opposed from all form from he opposed all forms of cruelty and of oppressions. वो सभी प्रकार के निर्दयता और जो है अभियानों का विरोध करते थे, मतलब जो निम्न तबके के लोग करते थे. he was expelled from Oxford for preaching atheism. जब इन्होंने ऑक्सफोर्ड में जो है नास्तिकता पर प्रीच किया, भाषण दिया, तो इसके लिए इन पर एक्सपेल किया गया, बाउंड किया गया. हिज फाइट अगेंस्ट सोशल एंड पॉलिटिकल रैंक्स अर्न फ्रॉम हिम द हॉस्टिलिटी ऑफ द कंजर्वेटिव सेक्शन ऑफ सोसाइटी. इनकी लड़ाई सामाजिक और राजनीतिक उन गलत नीतियों के प्रति थी जो समाज के निम्न वर्ग के लोगों के प्रति लोग करते थे. स्ट्रेंज रिलेशन विथ हिज फादर, अपने पिता के साथ जो है कुछ स्ट्रेंज मतलब बीमेल जो रिश्ता था. डिसोल्यूशन ऑफ हिज फर्स्ट मैरिज, और अपनी पहली शादी का जो इनका विच्छेद था. एंड फाइनेंशियल ट्रबल्स एडेड टू हिज अनहैप्पीनेस, और आर्थिक परेशानियों ने इनके दुख को बढ़ा दिया. ही लेफ्ट इंग्लैंड इन डिस्कस्ट एंड डिस्पेयर, दुख कष्ट के नाते इन्होंने इंग्लैंड छोड़ दिया. एंड सेटल इन इटली, और इटली में जाकर रहने लगे. ही प्रेजेंटेड हिज ग्रैंड विजन ऑफ ए न्यू वर्ल्ड रूल्ड बाय लव इन हिज ग्रेट वर्क प्रोमेथस अनबाउंड. इन्होंने अपने उस शानदार स्वप्न का, अपने कल्पना का ऑफ ए न्यू रूल्ड वर्ल्ड, जो एक नए संसार के नियमों से परिपूर्ण था, यानी लव माने प्रेम से परिपूर्ण था, उस महान कल्पना का की रचना का कंपोजिशन जो है इन्होंने अपनी प्रोमेथियस अनबाउंड नामक कविता में किया. हिज हेल्थ ब्रोक डाउन अंडर द प्रेशर ऑफ हिज केयर. इनका स्वास्थ्य जो है चिंताओं, हिज केयर एंड एनर्जिटी है तो कर चिंता और समय से स्वास्थ्य का ध्यान न रखने के कारण इनका स्वास्थ्य बिगड़ता चला गया. एंड व्हाइल स्टिल यंग इन आर, और जबकि वो अभी युवा ही थे, ही फेल्ट ओल्ड
एंड बी इन स्पिरिट। ये आत्मिक रूप से अपने आप को वृद्ध और कमजोर महसूस करने लगे, जबकि अभी युवा थे। लाइक किड्स हिज कम टेम्पररी, जॉन किड्स जो इनके समकालीन कवि थे उनकी भांत ही हैड फियर ऑफ परमेचर डेथ, यह भी आकस्मिक मृत्यु से डरने लगे। एंड दे केम ट्रू द इज एन अनएक्सपेक्टेड एंड ट्रेजिक मैनर, और वह भी केम ट्रू, वही सच्चाई उनके सामने आई यद्यप एन अनएक्सपेक्टेड एंड ट्रेजिक मैनर, आशा रहित और दुविधा पूर्ण तरीके से वही घटना इनके सामने आई कि व्हेन इन 1822 एट द एज ऑफ 29, जब 1822 में ये 29 वर्ष की अवस्था में, इनकी 29 वर्ष की अवस्था थी, ही वॉज ड्रॉन्ड व्हाइल सेलिंग ए स्टार इन द गल्फ ऑफ स्पेजिया इन इटली, का इटली के स्पेजिया गल्फ में जब ये नाव से यात्रा कर रहे थे तो तूफान आने के कारण नाव डूब गई और उसी में इनका देहांत हो गया। तो ये था एक परिचय पीवी शैली के बारे में, छोटा सा परिचय था। अब पोएम के बारे में देख लेते हैं। का द पोएम एलिमेंट रिटन इन 1821, अभी देखिए ऊपर पढ़ा 1822 एट द एज ऑफ 29। कह द लेमेंट जो पोएम है उसकी रचना जो है 1821 में हुई, सोच द सैलीज दैट सैलीज द ओनली 28 एट द एज ही रियलाइज्ड दैट ही वुड नॉट लिव लॉन्ग। का यद्यप जो ये प्रदर्शित करता है कि यद्यप उस समय केवल सैली जो है 28 वर्ष के थी, फिर भी उनको एहसास हो गया था कि अब उन्हें इस संसार में अधिक समय तक जीवित नहीं रहना है। His youth had deserted him. इनका युवा अवस्था पूरी तरह से सुनसान हो गया था, यानी दुखों से परिपूर्ण हो गया था। He was now incapable of enjoying the pleasure offered by life and nature. और इनका जीवन प्रकृति और इन सांसारिक जीवन द्वारा प्रदत्त सुख सुविधाओं को का आनंद लेने में असमर्थ हो गया था। द अवेयरनेस ऑफ ओल्ड एज हैविंग कम बिफोर इट्स टाइम, द अवेयरनेस ऑफ ओल्ड एज, बुढ़ापे की अवस्था की जानकारी ने, की जागरूकता ने क्या किया, हैविंग कमिंग कम बिफोर इट्स टाइम लीड टू कै टू ए क्राई ऑफ डिस्पेयर, इनके अंदर समय से पहले उसका दुख कराहने लगा था। बट द म्यूजिक ऑफ द पोएम रिप्रेजेंट द ट्रम्प्स ऑफ सैलीज लिरिकल पावर, लेकिन इस कविता की संगीत ने कह रहा परंतु इस कविता की संगीत जो रिप्रेजेंट द ट्रम्प्स ऑफ सैलीज लिरिकल पावर का, भले ही वो दुखी थे लेकिन उनके अंदर जो लिरिक पावर था, काव्य की प्रबल क्षमता जो उनके अंदर थी, उसने विजय प्राप्त किया। किस पर विजय प्राप्त किया? उन कष्टों पर, उन पावर्टीज पर जो सांसारिक रूप से पीवी शैली को मिली थी। तो ये था अबाउट द पोएम के बारे में। आगे देखते हैं पोएम क्या कहता है। कब ने अपने पोएम की शुरुआत एक्सक्लेमेशन से किया है, आश्चर्य से किया है, दुखांत भाव से किया है। कहता है ओह वर्ड, ओह लाइफ, ओह टाइम, ऑन हूज लास्ट स्टेप आई क्लाइम, ट्रेम्बलिंग एट दैट वेयर आई हैड स्टूड बिफोर, व्हेन विल रिटर्न द ग्लोरी ऑफ योर प्राइम, नो मोर ओह नेवर मोर। कहता ओह वर्ड, ओह लाइफ, ओह टाइम, कब ने यहाँ थोड़ा एक्सक्लेमेशन किया है, एक तरह से कहे अतिशयोक्त का वर्णन किया। कर ओह वर्ड, ओह लाइफ, ओह टाइम, अरे यह संसार जहां पर मैंने अपना जीवन व्यतीत किया, अपना समय व्यतीत किया और अभी तक व्यतीत करते चला आया, ऑन हूज लास्ट स्टेप आई क्लाइम, और जब आज मुझे एहसास हुआ, कर ऑन हूज लास्ट स्टेप आई क्लाइम, कि मुझे अपने जीवन रूपी अंतिम कदम जो है रखने हैं, तो ट्रेम्बलिंग एट दैट
तो कह रहा अब मेरे कदम डगमगा रहे हैं, हिल रहे हैं, वेयर आई हैड स्टूड बिफोर, जहाँ मैं पूरी दृढ़ता के साथ पहले खड़ा हुआ करता था, स्थित रहता था। कहने का तात्पर्य कि द पोएट डिस्क्राइब्स हियर अबाउट हिज डिस्ट्रेस्ड इमोशंस व्हिच ही फील्स व्हेन ही रियलाइज दैट द ओल्ड एज कम सून इन हिज लाइफ। ही सेज दैट ओ वर्ल्ड व्हेयर माई लाइफ इज आई स्पेंड माई लाइफ, बट व्हेन आई रियलाइज दैट आई वुड नॉट लिव लॉन्ग, देन माई लेग्स बिगेन ट्रेम्बलिंग टू नो दैट आई हैव नॉट स्टिल हियर फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो कहता है कि वो वर्ड ओ लाइफ ओ टाइम ऑन हुज स्टेप लास्ट आई क्लाइम, कह रहा है यह संसार, यहाँ का जीवन और वो समय जो मैंने व्यतीत किया, जब मुझे पता चला कि अब मुझे इस संसार में अधिक समय तक नहीं रहना है, तो मेरे कदम अब ट्रेम्बलिंग एट दैट डगमगा रहे हैं, वेयर आई हैड स्टूड बिफोर, जहाँ मैं पहले पूरी दृढ़ता के साथ रहा करता था। कह रहा उसी प्रकार से व्हेन विल रिटर्न द ग्लोरी ऑफ योर प्राइम, कहता आप भी व्हेन विल रिटर्न, जब जो है विल रिटर्न माने वापस चली जाएगी, ग्लोरी माने खुशियाँ ऑफ योर प्राइम तुम्हारे जीवन की, कहा तुम्हारे भी जीवन की जब खुशियाँ वापस चली जाएंगी तो तुम्हारा भी तुम्हारी भी स्थितियाँ ऐसी ही होंगी, नो मोर होने वर मोर। कहता हे मनुष्य अब इस संसार में कुछ बचा नहीं है, यानी कहने का मतलब अब तुम्हारे लिए यहाँ कुछ भी नहीं है। आगे कहता है आउट ऑफ द डे एंड नाइट ये जॉय हैज टेकन फ्लाइट, कहता आउट ऑफ द डे एंड नाइट, कहा यह जीवन कैसा हो गया है डे एंड नाइट, कहा जहाँ पर तुम दिन और रात की खुशियों की तलाश कर रहे थे वो जॉय जो हैज टेकन फ्लाइट, वो जा चुका है। कहता है आउट ऑफ द डे एंड नाइट ये जॉय हैज टेकन फ्लाइट, कहता तुम्हारे दिन रात की खुशियाँ अब तुम्हारे जीवन से दूर जा चुकी हैं, फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर हार, कहा वो मौसम चाहे वो बसंत ऋतु का था, ग्रीष्म ऋतु का था या शीत ऋतु का था, जो तुम्हें तरोताजा कर देता था, आज वो हम मुझे क्या कर रहा है, हारर माने डरा रहा है, भयावह कर रहा, कहा वो मौसम जो हमारे जीवन को हरा भरा कर देता था, तरोताजा कर देता था, आज वही मौसम वही ऋतुएँ डरावनी लग रही हैं, जिससे मूव माई फेंट हर्ट विथ ग्रीफ, मेरा हृदय दुख से क्या कर रहा है मूव यानी तेजी से धड़क रहा है, बट विथ डिलाइट नो मोर नेवर मोर, करा फिर भी मेरी कविता ने उन निराशा युक्त क्षण को प्रसन्नता में परिवर्तित कर दिया, कहता बट विथ डिलाइट, कहा लेकिन फिर भी मैंने अपनी कविता के माध्यम से उस पर विजय प्राप्त कर लिया है, नो मोर नेवर मोर। कहता है कहने का तात्पर्य कि ही वेरी वेल नोन दैट ही कैन नेवर रिगेन द पावर ऑफ एप्रिसिएशन ऑफ द ब्यूटीज ऑफ नेचर, कि प्राकृतिक सौंदर्य का जो पावर है अब वो दोबारा उसे पा नहीं सकता और इस जीवन में कभी भी पा नहीं सकता, क्योंकि अब उसका जीवन पूरी तरह से समाप्त होने वाला है। तो ये था पी बी शैली की रचना एलिमेंट, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, दोनों स्टेंजर्स का एक्सप्लेनेशन आप कर लेंगे, कहीं कोई समस्या होगी तो आप कमेंट करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।